हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ रिवाइवल के दो इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में। हम एज ऑफ रिवाइवल के बारे में बात कर रहे हैं तो एज ऑफ रिवाइवल की जो हिस्ट्री थी, उसकी जो पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल जो कंडीशंस थी उस टाइम की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एज ऑफ रिवाइवल के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पहली वीडियो है एज ऑफ रिवाइवल के राइटर्स की, और इसमें हम बात करेंगे इरास्मस और थॉमस मोर के बारे में। ये इम्पोर्टेंट राइटर्स थे इस एज के। उससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट राइटर होंगे, विलियम टिंडेल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर इरास्मस की। वो एक कैथोलिक टीचर थे, डॉक्टर इरास्मस जो थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे वो, हम कह सकते हैं ही वॉज ए कैथोलिक प्रीस्ट। और किस नाम से जाना जाता था उनको? द प्रिंस ऑफ द ह्यूमेनिस्ट। ही इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ द ह्यूमेनिस्ट। वो कैथोलिक चर्च में एक प्रीस्ट के रूप में काम कर रहे थे, एक प्रीस्ट थे वो, वहाँ प्रीस्ट के वे से सर्व कर रहे थे कैथोलिक चर्च में। लेकिन वो सब कुछ जानते थे, जो भी करप्शन फैल रहा था ना कैथोलिक चर्चेज में, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में बात की थी, वो उन सब के अगेंस्ट थे। सबका पता था उनको, उस करप्शन का सब पता था उसको, और इसी वजह से वो रिफॉर्म करना चाहते थे कैथोलिक चर्च को। लेकिन जो कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करना चाहते थे तो वो खुद के वे से रिफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम अगर हम देखें तो दूसरी तरफ मार्टिन लूथर जो है वो भी कैथोलिक चर्चेज को ही रिफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो डॉक्टर इरास्मस का वे था, इनका जो रास्ता था, ये लूथर से बिल्कुल अलग था। ये मार्टिन लूथर वाले रास्ते को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय ये एक बीच का रास्ता चुनना चाहते थे चर्चेज को रिफॉर्म करने के लिए, जिससे कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज चली आ रही हैं ना, तो उनको कोई नुकसान पहुंचे और रिफॉर्म भी हो जाए चर्चिज का। इसके लिए इन्होंने एक मिडल वे चुना था चर्चिज को रिफॉर्म करने के लिए। और ये एक मेंबर थे रोमन कैथोलिक चर्च में, अपने सारी लाइफ ये एक रोमन कैथोलिक चर्च के मेंबर रहे हैं। तो इनका जो मेजर वर्क था वो था प्रेज ऑफ फोली, जो कि एक एस्से है, इसको लिखा गया था लेटिन में, और ये बेसिकली एक सेट्रिकल एस्से है। और ही रोट दिस एस्से इन थॉमस मोर्स हाउस। जो ये एस्से है प्रेज ऑफ फोली, ये डॉक्टर इरास्मस ने थॉमस मोर के घर में बैठ के लिखा था। और इन दिस सेट्रिकल एस्से फोली इज प्रेजिंग हरसेल्फ। फोली जो है इस एस्से में अपने आप को प्रेज कर रही है। ही प्रेजिज सेल्फ डिसेप्शन। और जो ये एस्से है इट डिपिक्ट्स द करप्शन इन चर्चिज। जो लास्ट लाइन है इसकी, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी एंडिंग में, वो कहता है कि नो मैन इज वाइज एट ऑल टाइम्स और इज विदाउट इज ब्लाइंडेड। इसका मतलब है कि हर आदमी के कुछ ना कुछ गलत काम करता है हर आदमी, कुछ हर आदमी की एक बैड पर्सनैलिटी भी होती है। एवरी मैन हैज सम बैड थिंग्स इन हिज पर्सनैलिटी। कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं उसकी पर्सनैलिटी में। जो ये ऐसे है इस पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है ये डॉक्टर इरास्मस का। वैसे तो एक ही मेन वर्क है जो प्रेज ऑफ होली है, लेकिन नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको टाइटल याद रखना है प्रेज ऑफ होली रिटन बाय डॉक्टर इरास्मस। जो दूसरे राइटर हैं वो हैं थॉमस मोर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इनके व्यूज़ के बारे में पता करेंगे, इनकी थिंकिंग के बारे में, क्योंकि रिफॉर्मेशन का दौर था वो, हर राइटर रिफॉर्म करना चाहता था। तो ये जो थे ये अगेंस्ट थे किस चीज़ के, इन्होंने
प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो चली आ रही थी, इन्होंने उसको अपोज किया था, थॉमस मोर ने। ही ऑल्सो अपोज द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था जिसको हेनरी एट्थ ने पास किया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में क्या था कि जो चर्चिज का जो हेड होगा वो राजा होगा, और इसलिए उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का विरोध किया था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो था इसके खिलाफ थे, तो सीधी जाहिर सी बात है, तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के भी खिलाफ होंगे ये। और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के खिलाफ थे इसलिए इनको कहा जा सकता है ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द किंग हेनरी। किंग हेनरी ने क्या किया, उन्होंने कैथोलिक चर्च को अलग कर दिया, अपनी एंग्लिकन चर्च बना ली उन्होंने। एंड देन ही ऑल्सो अपोज्ड किंग सेपरेशन फ्रॉम कैथोलिक चर्च। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हेनरी एज द सुप्रीम हेड ऑफ चर्च, दैट्स वाई ही वॉज अगेंस्ट द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। और ये बाद में उसको इनकी सजा भी दी गई, ही वॉज बिहेडिड। और फिर ये क्या लिखते हैं, जब इनको बिहेड के लिए लेके जाया जाता है, आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड्स गुड सर्वेंट, आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड्स गुड सर्वेंट, कि मैं राजा का सर्वेंट तो नहीं हूँ लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जो भगवान है उसका अच्छा सर्वेंट हूँ। इनका मेन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है यूटोपिया, जो लिखा गया था 1516 में। ये वर्क लेटिन में लिखा गया था, लेटिन में, जिसका सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर, किंगडम ऑफ नोवेयर, नो वेयर। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया था 1551 में। यूटोपिया को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया था 1551 में। टू पार्ट्स में लिखा गया ये। और जो ये यूटोपिया है, इसकी समरी के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ इसकी एक जो ये वर्क है इसके बारे में, बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता करेंगे हम। इसको 1551 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया, लिखा गया 1516 में, और जो इसका सब टाइटल था वो था किंगडम ऑफ नोवेयर। टू पार्ट्स में लिखा गया इसको, दो बुक हैं इसकी। और किसे इन्फ्लुएंस होके लिखा था यूटोपिया, प्लेटो की रिपब्लिक बुक से इन्फ्लुएंस होके इस वर्क को लिखा गया था। और इस वर्क में जिस किंगडम की बात कर रहा है थॉमस मोर, उसमें सब पीपल रियल में है, सिर्फ एक इसके जो नरेटर है रफेल उसको छोड़ के ऑल पीपल आर रियल इन यूटोपिया एक्सेप्ट रफेल। 54 सिटीज़ की बात की गई है। तो ये सब बातें तो हम उसमें करेंगे जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, मेनली बस इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है ये, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार क्वेश्चन आते रहे हैं इससे। जून 2019 में भी क्वेश्चन आया था, अब की बार ही जो लिखा गया था ये 1516 में, लेटिन में लिखा गया, ट्रांसलेटेड किया गया इसको 1551 में। इसका सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर, टू पार्ट्स में ये बुक है, और जो प्लेटो की रिपब्लिक जो बुक है उनसे इंस्पायर होके इस वर्क को लिखा था यूटोपिया ने। तो जो इससे मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जून 2017 में, जून 2013 में, जुलाई 2016 में, अगस्त 2016 में। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप लविंग लिटरेचर एंड डोंट फॉरगिव टू रेट, रिव्यू एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।